हेलो बच्चों, कैसे हो? ये वीडियो स्पेशली हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कल से अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को फेस करने वाले हैं। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जो कि इसके पहले भी बोर्ड एग्ज़ाम फेस कर चुके हैं, बट अगर हम लोग 10th स्टैंडर्ड के बच्चों की बात करें तो शायद उनके लिए ये फ़र्स्ट टाइम है और कहीं ना कहीं प्रेशर होता है बोर्ड एग्ज़ाम के पहले। तो मैं सभी उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल दबाव में ना आएँ। आप आराम से, जैसे आप घर में प्रैक्टिस करते हो अपने आंसर्स की, क्वेश्चंस की, जैसे आप अपने स्कूल में अभी तक आप एग्ज़ाम दे रहे थे, आप बिल्कुल वही मान के चलिए कि सिर्फ वैसे ही आपको देना है। अननेसेसरी किसी से बात करने की कोशिश ना करें। आप कोशिश करें कि आपका कंसंट्रेशन आपके पेपर में हो, अच्छे से रिवाइज करके जाएं और यकीन मानिए बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बिल्कुल रात में सोएं, अच्छे से आप लोग सोइए। टेंशन या तनाव किसी भी तरह का आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा इजीली आप लोग आराम से अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठिए और सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। कोई माइनस मार्किंग नहीं होता। हैंड राइटिंग का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और प्रॉपर आपको स्पेस देना है किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए। कभी ओवर राइटिंग ना करें। ओवर राइटिंग वाला थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि आपने कुछ लिखा फिर वो शब्द गलत हो गया, फिर आपने उसी को काट के फिर उसी के ऊपर, नहीं ऐसा मत करें। कोशिश करें कि आपकी जो हैंड राइटिंग वो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भी काफ़ी असर डालती है आपके जो मार्क्स ऑब्टेंड, जो मिलने वाले हैं नंबर आपको। तो मेरा उन सभी स्टूडेंट्स को फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोगों की जो बोर्ड एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होने वाले हैं, आप सभी लोग खूब अच्छे से तैयारी आपने कर ली होगी अभी तक, और कल आपका फर्स्ट पेपर है 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का। तो आप कल से अपने एग्ज़ाम शुरू कीजिए और ईश्वर आपको सफलता दे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक एक बार और। थैंक यू।